नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल अभी की पाठशाला पर। कैसे दोस्तों, आई होप एकदम मस्त हैं होंगे। तो मैं लेकर आया हूँ आप सभी को के लिए बहुत ही शानदार सीरीज, जो कि नाम है जिसका मेधान सीरीज। ठीक है, मेधान सीरीज जो कि कुमार गौरव सर की जो सीरीज है, जो कि उत्कर्ष क्लासेस के बहुत ही शानदार टीचर हैं, तो उन्हीं की जो अर्धवार्षिकी है उसी का एक हिस्सा है मेधान सीरीज। और हर दिन आप यूट्यूब पे उनको देखते ही होंगे, काफ़ी फेमस टीचर है, तो उन्हीं की मेधान सीरीज को यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो जो कि आगामी एग्जाम्स, वो चाहे कोई भी आपका एग्जाम्स हो, अगर जीएस आपका उसमें आता है, तो ये जो है सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज हम यहाँ पर उन्हीं मेधान सीरीज के स्पेशल वन लाइनर फैक्ट्स करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके एग्जाम से रिलेटेड सभी तरह के वीडियोस और लाइव सेशंस लेकर आते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो वो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी एंड सी। तो विटामिन बी एंड सी किसमें पानी में घुलनशील होता है? बाकी विटामिन की बात करें, जैसे के हो गया, ई हो गया, डी हो गया और ए हो गया, ये सभी फैट सॉल्युबल होते हैं। कौन से होते हैं? फैट सॉल्युबल, यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं। और बी और सी किसमें होता है? पानी में घुलनशील होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तस्की आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी लॉर्ड रिपन, जो कि 1881 में ही ये प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तस्की आधार पर यहाँ पर कह रहा है, तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो ये अध्यक्षता उन्होंने की थी 1925 में कानपुर के अधिवेशन में। ठीक है, तो कांग्रेस की अध्यक्षता से रिलेटेड या फिर अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में आते हैं, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विंसन मोर्सिक। क्या नाम है? माउंट विंसन मोर्सिक इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? कुल 22 सदस्य होते हैं इसमें। और अगर इसमें देखिए, 15 किससे होते हैं? लोकसभा से, और 7 किससे होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर देखें अगला, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? बायो का ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में लगभग आपको दिख जाएगा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं एटीपी को। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। अगले क्वेश्चन पे अगर चलें, तो अगला क्वेश्चन क्या है, बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर रंग दूधिया हो जाता है? तो बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे तो रंग दूधिया हो जाएगा इसका? तो वो प्रवाहित करेंगे हम CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कौन सी? CO2 जो है हम इसमें प्रवाहित करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में किस संविधान संशोधन के द्वारा विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था? पहले ये क्या था? मूल अधिकार की श्रेणी में था। ठीक है, उसके बाद ये विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। तो कौन से अधिवेशन संशोधन अधिनियम के तहत? वो था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि कब हुआ था? 1978 में ये अधिनियम आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास ने। ठीक है, जिनको सीआर दास बोलते हैं, तो चित्तरंजन दास हो जाएगा। इन्होंने 1923 में इस पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? वो पाई जाती है कोबाल्ट धातु, जिसको साइनोकोवालिन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइनोकोवालिन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट धातु हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला इसका मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए?
ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर? श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। कितनी थी? 15 महिलाएं थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों से अगर जो विवाद होता है उसको अनुच्छेद 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय इसका निर्णय करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो प्रांतों में जो द्वैत शासन अधिनियम लागू किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था। ठीक है, ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? तो ग्रीन मफलर का संबंध होता है ध्वनि प्रदूषण से। किससे होता है? ध्वनि प्रदूषण से होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए, जो कि आपके रिवीजन के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट आ रहा हो, अच्छी लग रही हो सीरीज, तो लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के सम्राट कृष्ण देव राय किस वंश के थे? तो ये थे तुलु वंश के। किसके थे? तुलु वंश के थे। अगला क्वेश्चन है, डैश द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है? तो कौन से गारंटीकृत अधिकारों के अलावा जो है कौन कौन छोड़ दिए जाते हैं? तो वो छोड़े जाते हैं अनुच्छेद 20 और 21। तो 20 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो 1951 में पहले जो एशियाई खेल हुए थे उसकी जो मेज़बानी की थी वो कोई और नहीं बल्कि अपने देश भारत ने की थी। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? तो इसकी क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना में एकमात्र ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो वो है नागालैंड। नागालैंड की जो जनसंख्या वृद्धि थी वो ऋणात्मक आई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? ये करता है अनुच्छेद 129। ठीक है, अनुच्छेद 129 करता है। अगला क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी किस भारतीय एथलीटर द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी मिल्खा सिंह द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह रखा साबिर खान पंडित कृष्ण महाराज पंडित ज्ञान प्रकाश और संदीप दास किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये तबला वादक हैं। क्या हैं ये? ये तबला वादक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर कब कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? तो 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि 1929 को हुआ था, सॉरी 1989 को ये हुआ था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? ये है अनुच्छेद 39A। ठीक है, अनुच्छेद 39A है। तो बहुत ही शानदार इस सीरीज से आपका रिविजन हो जाएगा, क्योंकि पूरे जीएस से ही यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पूरे जीएस का ही आपका रिवीजन हो जाएगा कुछ ही मिनटों में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदन के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है ओम बिरला जी। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रेनाइट बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट अगर देखें तो ये प्राथमिक चट्टान है, जो कि आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एमएस सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये इन्हें सम्मानित किया गया 1998 में। कब सम्मानित किया गया? तो 1998 में इन्हें सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? 1998। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचजगत वर्गीकरण के जनक कौन है? तो पंचजगत वर्गीकरण के जनक है रॉबर्ट हार्डिंग विटेक। क्या नाम है? रॉबर्ट हार्डिंग विटेक इनका नाम है। और अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919
पारित होने के बाद सरकार के कार्य को अध्ययन करने के लिए कौन सा संवैधानिक आयोग स्थापित किया गया था? तो ये कौन सा आयोग बना था? तो साइमन कमीशन बना था, जो कि 1927 में स्थापित हुआ था, ठीक है, और 1928 में ये भारत आ गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 11वां मौलिक नहीं, कौन सा नर्तक या फिर नृत्यांगना दो नृत्यों भरतनाट्यम और उड़ीसा से संबंधित है? तो ये दो नृत्यों से कौन संबंधित है? तो ये संबंधित है सोनल मानसिंह। कौन संबंधित है? तो सोनल मानसिंह संबंधित है, तो सोनल मानसिंह हो जाएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 2002 में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वेल्डस यानी कि वेल्डस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, जिसको वेल्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। तो वेल्ड्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? वेल्ड्स आपको मिलेंगे साउथ अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को ये स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु का नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है? ब्रोमीन इसका नाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा कब राज्य के रूप में अस्तित्व में आए? तो कब राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे? तो ये आए थे 21 जनवरी 1972 को। कब? 21 जनवरी 1972 को ये अस्तित्व में आए थे। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जलसंधि का नाम है स्वेज नहर। क्या नाम है? स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, 1774 में कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? तो 1774 में जो कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट था, उसके जो प्रमुख न्यायाधीश थे वो कौन थे? एल्जा एम्पे। कौन थे? एल्जा एम्पे थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, केडी जाधव किस ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय बने हैं? तो ये हेलसिंकी ओलंपिक में बने थे 1952 में, जो कि हुआ था, ठीक है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर इसे ज़रूर करिएगा, ताकि उनको भी अच्छा सा रिवीजन हो जाए। अगला क्वेश्चन है, आँख में प्राकृतिक रूप से कौन सा लेंस होता है? तो आँख में जो प्राकृतिक रूप से लेंस होता है वो क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। कौन सा लेंस होता है? तो ये उत्तल लेंस होता है। लाख बक्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाख बक्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप का संबंध है गोल्फ से। इससे गोल्फ से इनका संबंध है, और गोल्फ की बहुत ही चर्चित खिलाड़ी है, और उनका नाम क्या है? अदिति अशोक, ठीक है, जो कि ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई हुई हैं और पदक भी उनके लाने की संभावना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, जिसे एचपीवी कहते हैं। क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसे एचपीवी नाम दिया गया है, ये सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार वायरस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो पारित किया गया था 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा ये पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन की जो सांद्रता वो डॉप्सन में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? डॉप्सन में मापी जाती है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस, जो कि 1946 में बना था ये मिशन, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आपको 118 तत्व मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 118 तत्व मिलेंगे।
पुष्प में नर जनन अंग क्या कहलाता है? तो पुष्प में जो नर जनन अंग होता है उसको एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं, तो इसे याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पे हुई? तो ये हुई थी संथानम समिति की सिफारिश पे। किसकी सिफारिश पे हुई थी? तो ये संथानम समिति की सिफारिश पे हुई थी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के पहले महान्यायवादी थे एम शीतलवाड़। कौन थे? एम शीतलवाड़ थे भारत के पहले महान्यायवादी। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, रेलवे में खासकर ये एग्जाम्स आता, रेलवे में खासकर ये क्वेश्चन जो है आता रहता है, आपको दिखेगा। तो ये किसको बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं या फिर प्लीहा को बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वो है आर्थोपोडा। कौन है? तो ये है आर्थोपोडा। अगला क्वेश्चन है, सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो सेला सुरंग आपको मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर मिलेगी सेला सुरंग? तो सेला सुरंग मिल जाएगी आपको अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी में जो ग्रुप 16 होता है उसको कहते हैं ऑक्सीजन परिवार, यानी कि चैल्किजन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैल्किजन ग्रुप, यानी कि ऑक्सीजन परिवार उसको बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु क्या होती है? वो होती है 25 वर्ष। कितनी होती है प्रधानमंत्री के निर्वाचन के लिए? तो वो होती है 25 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बस के अचानक रुकने पर खड़े यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है, तो न्यूटन के किस नियम का ये उदाहरण है कि जो बस के अचानक रुकने पर खड़े यात्री का आगे की ओर गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो ये है प्रथम नियम, यानी कि जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल काफी चर्चित फेस्टिवल है और ये होता है नागालैंड। कहाँ होता है? तो ये नागालैंड में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये उल्लेखित है अनुच्छेद 64 में। इसमें मिलेगा तो अनुच्छेद 64 में ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? तो गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो प्रस्तुत किया था जॉन मथाई ने। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो भाग 20 में है। ठीक है, और अनुच्छेद की बात करेगा तो अनुच्छेद कौन सा है? 368 अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद? नंबर 368 है, जिसमें संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नलबाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो नलबाना पक्षी अभयारण्य आपको उड़ीसा में मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? उड़ीसा में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, आत्मा राम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडे ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। ठीक है, तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो इन्होंने अनुच्छेद 32 को बोला था संविधान का हृदय और आत्मा। ठीक है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। ठीक है, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अगला क्वेश्चन है, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध है अनुच्छेद 23 में। इसमें है अनुच्छेद 23 में है ये। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टीसी नदी, जो कि आपको मिलेगी चीन में। कहाँ पर मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको चीन में। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं।
संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो संक्रमण रोधी विटामिन बोला जाता है विटामिन ए को। किसको बोलते हैं? विटामिन ए को बोलते हैं संक्रमण रोधी विटामिन। अगला क्वेश्चन है, निर्माण विनिर्माण विद्युत गैस आपूर्ति किस क्षेत्र के उदाहरण है? ये सभी आपके सेकेंडरी यानी कि द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण होते हैं, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण होते हैं। माउंट सारामती किस राज्य में स्थित है? तो माउंट सारामती आपको मिलेगा नागालैंड। कहाँ पर मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको नागालैंड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 21 जून 2015 में। कब हुई थी? 21 जून 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है? तो शिक्षा वर्तमान में अगर देखें तो समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों इस पे कानून बना सकते हैं, लेकिन अभी ये विषय जो है काफी चर्चा में है और शिक्षा को राज्य सूची में लाने के लिए आंदोलन हो रहा है, ठीक है। शिक्षा को कहा जा रहा है कि राज्य सूची में शामिल किया जाए समवर्ती सूची से हटाकर, क्योंकि इस समय पेपर लीक वगैरह की जो समस्या बहुत ज्यादा है, इसलिए ये मांग बढ़ रही है कि जो शिक्षा है उसको राज्य सूची में डाला जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या बोला जाता है? क्षोभ मंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन क्या है? तो नेफ्रॉन जो है किडनी की क्रियात्मक इकाई है। क्या है? किडनी की क्रियात्मक इकाई है। अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा आपको उत्तराखंड में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में। यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत के कौन से दो शहर शामिल हैं? तो यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत के अहमदाबाद और जयपुर शहर शामिल है, ठीक है, अहमदाबाद और जयपुर शहर शामिल है। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये अगर देखें तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इन 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर है आइसोप्रीन का बहुलक। ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। कह रहा है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो किसने किया था? तो वो किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 226 प्रदान करता है, ठीक है। रिट जारी करने का उच्च न्यायालय को कौन अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 226 प्रदान करता है। मेदराम यात्रा का संबंध किस राज्य है? काफी फेमस ये त्योहार होता है, तो ये किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना राज्य में फेमस है, ठीक है, तेलंगाना राज्य से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन से क्रम का विधेयक था? तो ये 128वां विधेयक था, ठीक है, और 128वां संविधान संशोधन ये विधेयक था। और बात करें 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये लाया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। किस धातु को क्विक सिल्वर कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर कहते हैं। ये किसको बोलते हैं? ये पारा को बोलते हैं, जिसे मरकरी भी बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पेलियंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन होता है। किसका होता है? जीवाश्म का अध्ययन होता है, ठीक है। भारत की किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों में क्रमशः नेपाल, भूटान एवं जो है चीन से मिलती हैं? तो किससे? नेपाल, भूटान एवं चीन से किस प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं? तो ये मिलती हैं सिक्किम की, ठीक है, तो सिक्किम की सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है कितनी अवधि तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो ये रह सकता है अधिकतम 6 माह तक, ठीक है, 6 माह तक रह सकता है। उसके बाद उसे किसी न किसी सदन का हिस्सा बनना पड़ेगा, वो चाहे राज्यसभा का बने या फिर
लोकसभा का बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीएनए किसका बहुलक है। तो डीएनए बहुलक होता है न्यूक्लियोटाइड का। किसका बहुलक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। और अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण फर्स्ट ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो कृष्णदेव फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंबाला नामक वार्षिक भैंस दौड़ जो एक त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कर्नाटक में। इसमें मनाया जाता है, तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो जिम्मेदार होता है वो लोकसभा के प्रति होता है। और ये किस में लिखा हुआ है, तो ये अनुच्छेद 75 के 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तंजौर का बृहदेश्वर राज राजेश्वरम मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था। तो इसे बनवाया था चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने। ठीक है, किसने बनवाया, चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आयोजन समिति 1938 के अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय आयोजन समिति 1938 के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन है अनवरत योजना भारत में कब लागू हुई। तो अनवरत योजना भारत में लागू हुई 1978-80 में। कब लागू हुई, तो 1978-80 में ये लागू हुई। अगला क्वेश्चन है सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो सरहुल त्यौहार आपके झारखंड में मनाया जाता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी में अष्टक सिद्धांत किसने दिया। तो आवर्त सारणी में अष्टक सिद्धांत दिया न्यूलैंड ने। ठीक है, किसने दिया, न्यूलैंड ने दिया। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने का अधिकार किसको है। तो ये अधिकार है राष्ट्रपति को। किसको है, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ये अधिकार मिला हुआ है कि वो राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुला सके। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा कब हुई थी। तो ये घोषणा हुई थी 1911 में। ठीक है, कब हुई, 1911 में हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है। तो कल्याणकारी राज्य का विचार भारत के कौन से भाग में मिलेगा, तो संविधान के भाग 4 में मिल जाएगा। ये इसमें मिलेगा 4 में ये मिल जाएगा। इसे डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है। जेरोप्थैलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो जेरोप्थैलेमिया रोग जो होता है वो होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए, जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो ये नाम है उदंत मार्तंड। ठीक है, जिसके जो प्रकाशक थे वो कौन थे, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी थे। ठीक है, ये इसके संपादक थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है प्रस्तावना में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक कर लीजिएगा इसको, स्टार मार्क कर लीजिएगा। धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। तो ये चोटी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। ठीक है, भारत के एकमात्र निर्विरोधी चुने गए राष्ट्रपति कौन है। तो निर्विरोधी चुने गए राष्ट्रपति एकमात्र है वो है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति के लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था। तो टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब का सदस्य था। ठीक है, जैकोबियन दल का ये सदस्य था। मायोपिया के इलाज में कौन सा लेंस काम आता है।
मायोपिया के इलाज में आता है अवतल लेंस काम, ठीक है, कौन सा लेंस? अवतल लेंस काम आता है। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? तो लाल कुर्ती दल का नेता है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान इसके नेता थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है? तो ये है लीवर, ठीक है, कौन सी है? लीवर है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम के जनक कौन है? परमाणु बम के जनक है ओपन हाइमर। कौन है? ओपन हाइमर परमाणु बम के जनक है। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस शिलालेख में मिलता है? तो सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिलेगा एरड अभिलेख में, जिसको भानुगुप्त ने लिखवाया था, ठीक है, तो एरड अभिलेख इसका नाम था। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? तो इकोसिस्टम जो शब्द है वो दिया था जी टॉन्सले ने, तो ऑर्थर जी टॉन्सले ने, जिसे ए जी टॉन्सले के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने ही इकोसिस्टम शब्द दिया था। लोकसभा स्पीकर का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 93 में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? अनुच्छेद 93 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, दहन भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक? तो दहन कैसा परिवर्तन है? तो दहन है एक रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तारा मछली यानी कि स्टारफिश किस संघ का प्रणाली है? तो ये इकाइनोडर्मेटा है, ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा के नाम से जाना जाता है इस संघ को। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है, कहाँ पर? लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ किसे माना जाता है? तो संस्कृत व्याकरण का जो पहला ग्रंथ है वो माना जाता है अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा जो रचित है, ठीक है। थांगटा पुंग चोलम नट संकीर्तन किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये सभी मणिपुर के फेमस लोक नृत्य हैं, ठीक है, कहाँ के? मणिपुर के फेमस लोक नृत्य हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं संसद में, ठीक है, किसमें निहित हैं? संसद में निहित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा ये तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? तो दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? तो वो होता है 4 मिनट का अंतर। कितना होता है? 4 मिनट का ये अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो कश्मीर में आयोजित होने वाली जो बौद्ध संगति है उसमें कौन सा शासक था? तो उसमें था कनिष्क फर्स्ट, जो कि एक कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का? तो कुषाण वंश का ये शासक था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति रेंज क्या है? तो श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति रेंज होती है वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, जिसने योजना आयोग का स्थान लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शांति का पहला नोबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो शांति का पहला नोबल पुरस्कार मिला था 1921 में हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा, ठीक है, 1901 में हेनरी ड्यूनेंट को सबसे पहले शांति का नोबल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, आयुसीएन का मुख्यालय कहाँ है? तो आयुसीएन का मुख्यालय आपको ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में जो पड़ता है वहाँ पर मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और सीओपी फर्स्ट की बात करें तो सीओपी फर्स्ट कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था 1995 में बर्लिन में। कहाँ पर हुआ? ये बर्लिन में हुआ था। पीएच स्केल की खोज किसने की? तो पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। किसने किया? सोरेनसन ने किया था, ठीक है। अब हम हैं इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर। तो अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी वो क्या थी? तो ये समयावधि थी 2007 से 2012, ठीक है।
भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 2007 से 12 तक ये चली थी। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए? तो ये 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए थे। और कब कब गठित किए गए? तो एक 1952 में, एक 1962 में, एक 1972 में, एक 2002 में गठित हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हासी माटो रोग का संबंध किस ग्रंथि है? तो हासी माटो जो रोग है उसका संबंध है थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि से इसका संबंध मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम। क्या है? ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध है कुश्ती खेल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैजंती माला पद्म सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य से है? तो ये अगर देखें तो ये पद्म भूषण से सम्मानित की गई थी। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित की गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, होना क्या चाहिए था कि ये कौन से जो है विभूषण से सम्मानित हुई थी, तो ये सम्मानित हुई थी पद्म भूषण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, संघ की परिभाषा राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख है भाग 17 के अनुच्छेद 343 में। कौन से अनुच्छेद में मिलेगा? तो ये 343 अनुच्छेद में मिलेगा, और भाग कौन सा है? वो है 17। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाई जाती है? तो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है बैसाख माह में। इसमें तो बैसाख के महीने में मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संदर्भ में क्या सही है? तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संदर्भ में यही सही है कि इसकी जो स्थापना है वो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा हुई थी। ठीक है, कूलाम पर सेकेंड क्या है? तो कूलाम पर सेकेंड विद्युत धारा यानी कि एम्पियर का जो है इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीजन बाई का संबंध किस कला से है? तो तीजन बाई एक पिंडवानी नृत्यांगना है। ठीक है, कौन है? तो ये पिंडवानी नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन क्या है, एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है जिसे वर्ष 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया? तो ये कौन सी झील है? तो ये है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में पड़ती है। कहाँ पर? उड़ीसा में पड़ती है चिल्का झील। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा किसके मध्य है? तो ये है यूएसए और रूस के मध्य। ठीक है, तो यूएसए और रूस के मध्य अगर देखा जाए तो सबसे लंबी सीमा है। अगला क्वेश्चन, बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो ये लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? तो 29 कार्यों की जो सूची थी वो अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आगामी लेखपाल की परीक्षाओं या फिर VPO का एग्जाम है उसमें आने की संभावना पूरी पूरी है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1949 में। कब पारित हुआ? 1949 में ये पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, डाइन किसका मात्रक है? तो डाइन है बल यानी फोर्स का मात्रक। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1809 में। कब किए गए थे? तो ये 1809 में किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, केचुआ किस संधि संघ से संबंधित है? तो केचुआ जो है वो किस संघ से संबंधित है? वो एनिलिडा संघ से संबंधित है। किससे संबंधित है? एनिलिडा संघ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है आपको मिलेगा 24 भाषाओं में। ठीक है, कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वजों की आराधना वाले त्यौहार मी दम मी फी किस राज्य में मनाया जाता है? पूर्वजों की आराधना वाला त्यौहार मी दम मी फी आपको असम राज्य में मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा? असम राज्य में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है कौन सा है? तो ये है धौलावीरा, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। किस देश ने वर्ष 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी हैमिल्टन ने। ठीक है, और ये हुआ कब था? तो ये 1930 में हुआ था,
जो कि आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज का निर्माण किससे होता है? तो सुक्रोज का निर्माण होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। इसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज से इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में सोना कितना होना चाहिए? ठीक है, तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में, यहाँ पर अगर देखें प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में जो गैस मुक्त होती है वो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, कौन सी गैस होती है? तो ये ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका आंसर गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में सोना कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में सोना होना चाहिए 200 करोड़ कैरेट, सॉरी 200 करोड़, यानी कि 115 करोड़ सोना। ठीक है, 85 करोड़ विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित जो गणपूर्ति है, जिसको कोरम बोलते हैं, वो कितना है? तो वो है 1/10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 1/10 होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी मैदान सीरीज। तो क्वेश्चंस कैसे लगे और हमारी मेहनत कैसे लगी, तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जो कुमार गौरव सर की यानी कि उत्कर्ष क्लासेस की जो अर्धवार्षिकी है, उसके करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर वीडियो के जरिए आप तक पहुँचाएँ, कवर करें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हम ये वीडियो लेकर आपके सामने आए या नहीं। जो 6 मंथ का करंट अफेयर्स है उनका, यानी कि जनवरी से लेकर जून तक का जो करंट अफेयर्स है अर्धवार्षिकी में कवर किया हुआ है, तो वो अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो के थ्रू आपको जल्दी जल्दी से उसका रिविज़न करा दें, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि हाँ इसको करा दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।